हेलो दोस्तों, ये मेरे साथ में 2024 एसजी रोडस्टर और साथ में है दीपक भाई। और आज हम करने वाले हैं एसजी रोडस्टर का सीट हाइट टेस्ट। 2024 में कंपनी ने थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं एसजी रोडस्टर के अंदर, जिनके बारे में ऑलरेडी हम अलग से वीडियो कर चुके हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि शॉर्ट हाइट राइडर्स के लिए नई एसजी रोडस्टर कैसी होने वाली है। कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि एसजी रोडस्टर के अंदर जो कर्व वेट है वो अब आपको मिलेगा 194 kg। थोड़ा वजन जो है वो कंपनी ने इसका बढ़ाया है और सीट हाइट है 790 mm की। ग्राउंड क्लीयरेंस 175 mm है, जिसके चलते हर तरह की रोड कंडीशन में आप इस बाइक को आराम से चला सकते हो। अब शॉर्ट हाइट राइडर्स के लिए ये मोटरसाइकिल कैसी होगी, ये बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एसजी रोडस्टर के बारे में कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। जैसे कि हाल ही में हमने देखा था एसजी रोडस्टर का रीटोल्ड एडिशन लॉन्च हुआ था, जिसमें आपको फुटपेक की पोजीशन है जिसमें कि फुटपेक की पोजीशन को कंपनी ने चेंज किया था। फुटपेक की पोजीशन को आगे थोड़ा सा शिफ्ट किया गया था, पहले आपको पीछे मिलते थे, अभी आगे शिफ्ट हो गए हैं और अब 2024 वाले मॉडल में आपको यही मिलेगा। इंजन की बात करें तो 334 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन है, जो आपको देता है 29 bhp की पावर और 29 Nm का टॉर्क। 6-speed गेयरबॉक्स के साथ में ये मोटरसाइकिल फिलहाल भारतीय बाजार में आती है और कीमत शुरू होती है 2,09,000 रुपये से एक्स शोरूम। अब बात करते हैं हाइट टेस्ट की। तो डायमेंशंस में ऑलरेडी बता चुका हूँ, दीपक भाई की हाइट है 5'4" और अब देखते हैं कि इनके पैर कितने आते हैं और ये कितने कंफर्टेबल हैं। तो दीपक भाई बैठो बाइक के ऊपर और बताओ कि कितना कंफर्ट आपको इस बाइक से मिल रहा है। पैर अगर मैं आपको दिखाऊं दीपक भाई के, तो पंजे जो हैं वो दोनों टिक चुके हैं, एड़ियां ऊपर हैं और कंफर्ट वगैरह कैसा है ये जानते हैं इनसे। तो भाई बताओ कंफर्ट जो है वो हैंडल, आपको आपको भी समझ आ रहा होगा कि हैंडल काफी ऊपर निकला हुआ है, तो हाइट उस हाइट के अकॉर्डिंग ना पोस्चर तो काफी अच्छा बन रहा है। अब हाँ, मेरे पैर नहीं आ रहे, तो पैर क्या होता है कई बार मोड़ने में मुझे दिक्कत जरूर आएगी, पर लॉन्ग रूट पे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे काफी कंफर्टेबली मैं इस बाइक को चला सकता हूँ। और मोड़ने में भी दिक्कत जब आएगी जब इसका वेट इतना ज्यादा है, अगर यही वेट और थोड़ा लाइट होता तो मुझे वो भी प्रॉब्लम नहीं आती। पैर एक बार ऊपर रख के दिखाओ सिटिंग पोजीशन, ये देखो। तो देखो कुछ सिटिंग पोजीशन आपको अब यहाँ पर ये देखने को मिलती है। फुटपैक आगे होने की वजह से ना कंफर्ट एसजी रोडस्टर में बढ़ गया है पहले के मुकाबले। पहले थोड़ा सा स्पोर्टी कैरेक्टर आपको इस बाइक में मिलता था, अभी ये थोड़ा सा क्रूजिंग टाइप की आपको फील देगी। और इसका जो कॉम्पिटिशन है वो भी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 और मीटियोर 350 जैसी मोटरसाइकिल के साथ में होता है, जहाँ पर मीटियोर एक प्रॉपर क्रूजर के तौर पर सेल की जाती है। हालांकि इसको कंपनी एकदम प्रॉपर क्रूजर नहीं कह रही है, लेकिन जब आप फुटपैक की बात करते हो तो ये थोड़ा सा आपको रोडस्टर और क्रूजर के बीच में कहीं देखने को मिलेगा, जिसके चलते बाइक की जो लुक्स हैं, जो फील है, जो परफॉर्मेंस है वो आपको रोडस्टर वाली मिलती है, लेकिन जो कंफर्ट है वो आपको क्रूजर वाला मिलता है। तो अगर आप एक ऐसी मोटरसाइकिल लेना चाहते हो जिसके साथ में आप आराम से लॉन्ग राइड वगैरह भी जा सको, लंबी दूरी भी तय कर सको, सिटी में भी चला सको और आपको परफॉर्मेंस भी मज़ेदार मिले, तो वहाँ पर आप एसजी रोडस्टर को कंसिडर कर सकते हो। बाकी दीपक भाई बताओ कि शॉर्ट हाइट राइडर अगर कोई इस बाइक को लेने का प्लान कर रहा है तो क्या रिकमेंड करते हो, खरीदनी चाहिए? हाँ, रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि शॉर्ट हाइट राइडर आप ज़्यादा भी नहीं है, अगर 5'3" है ना तो आप इजिली इस बाइक को ले लो। जैसे ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपके लिए काफ़ी कंफर्टेबल ये बाइक होती जाएगी। स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम जरूर आएगी, बट इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम इस गाड़ी में नहीं आएगी, आप इजिली बाइक परचेज कर सकते हो। मैं रिकमेंडेड कर सकता हूँ। तो देखो ये थे दीपक भाई, जिनकी हाइट 5'4" है और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया एज अ शॉर्ट हाइट राइडर उनको एसजी रोडस्टर कैसी लग रही है। यदि आप शॉर्ट हाइट राइडर हैं और आपने एसजी रोडस्टर चलाई है या फिर आप ओन करते हैं, तो आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो कैसा लगा इस पर अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा और इसी तरह के डिटेल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।